आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर वो उसका अकाउंट का पासवर्ड अगर आप भूल चुके हो तो उसे कैसे रीसेट कर सकते हैं। अगर आपको अकाउंट डिलीट करना है तो वो भी आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो आपको पहले क्या करना है, इंस्टाग्राम को डाउनलोड कर लेना है। आप कहीं से भी डाउनलोड कर सके, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम को डाउनलोड करने के बाद आपको इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है। जैसे आप इंस्टाग्राम को ओपन करोगे तो उस पर क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डाल लेना है। जैसे यहाँ मैं अपना फ़ोन नंबर डाल रहा हूँ। जैसे आप अपना फ़ोन नंबर डाल लेंगे तो नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पर OTP डाल लेना है। OTP डालने के बाद आपको अपना पूरा नाम या अपना नाम और नेम और सरनेम भी डाल सकते हैं। नीचे आपको अपना कोई भी जो आपको चाहिए वो पासवर्ड रख सकते हैं। पासवर्ड 8 डिजिट का होना चाहिए। जैसे ही आप साइन इन करोगे तो आपको अपने आसपास कोई भी फ्रेंड है उसे आप फॉलो कर सकते हैं। आपको जो फ्रेंड फॉलो करना है कर सकते हैं। मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ। आगे आपको आप प्राइवेट अकाउंट रख सकते हैं या पब्लिक। प्राइवेट अकाउंट में क्या होता है कि आप अपने फॉलो को एक्सेप्ट करने का कर सकते हैं, और पब्लिक में वो डायरेक्टली आपको फॉलो हो जाता है। तो अब मैं यहाँ पर प्राइवेट रख रहा हूँ अकाउंट। आप जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, ऐड फोटो, आप अपना कोई भी प्रोफाइल फ़ोटो रख सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई भी इंस्टाग्राम यूज़ करता है तो उसका नाम आपको यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाऊँगा कि आप अपने फ़ोन का में जो ईमेल और फ़ोन नंबर जो कनेक्ट है वो ऐसे कैसे बदल सकते हैं और कहाँ पर दिखाई देता है। तो जैसे आप सेटिंग में जाओगे तो यहाँ पर अकाउंट पर क्लिक करना है। अकाउंट पर क्लिक करना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर ईमेल एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ भी दिख जाएगा। तो अब मैं दिखाऊँगा कि आप अपना पासवर्ड अगर भूल जाए तो किस तरह से रीसेट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो अपना फ़ोन नंबर डाल लेना है। तो यहाँ पर आपको OTP आ जाएगा और अपना जो भी है उस फ़ोन पर अकाउंट क्लिक है कनेक्ट है वो डायरेक्टली आपका ओपन हो जाएगा। अगर आपका पासवर्ड रीसेट करना है तो क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपको लॉगिन के पेज पे जाना है। जैसे आप उस पेज को ओपन कर लोगे तो वहाँ पर आपको नीचे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिखाई जाएगा, उस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो उसके नीचे देखेंगे तो कैन यू रीसेट योर पासवर्ड, तो उस पर क्लिक करना है और अपने अकाउंट का नाम जो है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पर जाना है और आपको उस जो अकाउंट पर फ़ोन नंबर क्लिक होगा उस पर जो OTP आएगा उसे डाल लेना है। जैसे ही आप OTP को डालोगे तो आपका जो भी पासवर्ड है उसे आप रीसेट कर सकते हैं। जैसे ही आप OTP डालोगे तो आपको क्रिएट न्यू पासवर्ड आ जाएगा ऑप्शन। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपना पासवर्ड किस तरह रीसेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सेटिंग पे आना है। सेटिंग पे आने के बाद हेल्प पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप हेल्प पे क्लिक करोगे तो वहाँ पर हेल्प सेंटर पर क्लिक करना है। हेल्प सेंटर पर क्लिक करने के बाद जो कोने में 3 स्लैश है उस पर क्लिक करना है। क्लिक कर रहे हैं मैनेज योर अकाउंट, उस पर क्लिक करना है। उसके क्लिक करने के बाद उसे नीचे ऑप्शन होगा 5th नंबर का, डिलीट योर अकाउंट, उस पर क्लिक करना है। जैसे डिलीट करो क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको डिलीट योर इंस्टाग्राम अकाउंट, उस पर क्लिक करना है। नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद वहाँ पर और एक ऑप्शन होगा instagram.com मोबाइल ब्राउज़र कंप्यूटर, उस पर क्लिक करना है। वहाँ पर आपको दिखेगा डिलीट योर अकाउंट, उस पर नहीं क्लिक करना है। नीचे जो डिलीट योर अकाउंट पेज उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। उससे पहले आपको अपना अकाउंट क्यों डिलीट करना है उसका रीज़न देना होगा। रीज़न देने के बाद आपको, मैं यहाँ पर अपना रीज़न दे रहा हूँ, क्रिएट अ सेकेंड अकाउंट। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड डाल लेना है जो आपको भूल चुके हो। तो मैंने रीसेट कैसे करना है आपको दिखाया था, अब वही आपको अपना अकाउंट का पासवर्ड डाल लेना है। जैसे आप अपना पासवर्ड डाल लोगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि मुझे ऑप्शन दिखा था 20 अगस्त,
तो मेरा अकाउंट 30 अगस्त को डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर डिलीट अकाउंट पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जैसे ही ये लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा तो उस अकाउंट पे लॉगिन नहीं करना है जब तक अकाउंट आपका उस तारीख आ नहीं जाती। आ गई तो आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू।